हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ वुडमैन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। सो अभी हमने इसका नाम को डिसाइड नहीं किया है। आप पूरी वीडियो देखिए, पूरे इसके फीचर्स एक्सप्लेन करिए, पूरे फीचर्स इसके समझिए, उसके बाद आप ही हमारे को कमेंट में नाम सजेस्ट कर सकते हैं। आप पूरे फीचर्स देखिए, पूरी वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द होल वीडियो। अब हम आपको जो गूगल वॉइस के थ्रू कैसे हम अपने एंड्रॉयड फोन्स के साथ सिस्टम को चला सकते हैं वॉइस के थ्रू, बिना किसी चीज़ को कुछ टच किए, कुछ किए कैसे हम नेविगेशन कॉलिंग कर सकते हैं, वो हम आपको सारी चीज़ें अब दिखाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने फ़ोन कनेक्ट किया अपना इससे USB केबल से। बाकी हमने कोई ऐसा जिसमें कुछ भी ऑन वगैरह नहीं किया है। USB डीबगिंग का एक ऑप्शन होता है जो ऑन करना पड़ता है, वो हम आपको बता देंगे फर्दर इन ट्यूटोरियल वीडियो। और ये हमारे यहाँ डी प्ले है, ये हमने ऑन किया यहाँ। सो अब ये हमारी स्क्रीन जो है इस पर आ गई है, और ये पूरा एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए होता है। और यहाँ अगर आप टैप करते हैं और गूगल नेविगेट हो जाता है, और नेविगेशन के लिए आप बोल सकते हैं ओके गूगल नेविगेट टू गुड़गांव। सो लाइक यू कैन सी कि आप, हमने नेविगेट टू गुड़गांव बोला और इस ने हमें नेविगेट कर दिया। सो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। और वॉइस हम काफ़ी सारे फीचर्स इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक करके हम सारे फीचर्स आपको दिखाएंगे इसमें। कॉल अनवित, कॉलिंग CA अनवित मोबाइल। सो नाउ एज यू कैन सी विद द जस्ट विद द वॉइस फीचर इट प्लेस द कॉल एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें नाम बोलना है। एंड नाम अगर बस वो नंबर आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर नेम इज ईजिली प्लेस। आपको अपना फ़ोन निकाल के उसको सर्च करके कुछ नहीं करना। सिमिलरली इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले एनी म्यूजिक, तो वो भी हम म्यूजिक भी अपना प्ले कर सकते हैं। प्ले सम म्यूजिक फॉर मी, प्लेइंग सम म्यूजिक ऑन YouTube म्यूजिक। तो इसमें YouTube म्यूजिक की सर्विस भी है, गूगल प्ले म्यूजिक भी है। बाकी ये सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप प्ले कर सकते हो। इसमें गाना भी है, YouTube म्यूजिक है, गूगल प्ले म्यूजिक है। तो जो भी आप प्ले करना चाहो उसके थ्रू आप। और इसमें जैसे हम फ़ोन से अपने गूगल वॉइस के थ्रू सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हैं, वही फीचर इसमें भी है। तो काफ़ी ईजी है, मतलब ड्राइव करते हुए आपको अपना मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ ईच एंड एवरीथिंग। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें बेसिक नेविगेशन चाहिए, वो हम इसमें वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलिंग है, वो हम इसमें वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिक है, वो हम इसमें वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी का व्हाट्सएप मैसेज भी आता है, सो वी कैन इवन रिप्लाई टू दैट पर्सन ऑल्सो टू दिस। Your uncle says hi. Do you want to reply? Yes, I want to reply. What's the message? I am driving. I will call him later. Got it. Here's your message. I am driving. I will call you later. Do you want to send it or change it? I want to send it. Sending message. तो आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में कि मैसेज हमने वहां से वॉइस के थ्रू मैसेज हमने सेंड किया और फोन पे मैसेज आ गया। तो ये क्या है कि ड्राइविंग करते हुए अगर हमारे कोई इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप मैसेज आता है तो हम उसको प्ले कर सकते हैं। ये आपके सारे मैसेजेस दिखा देता है। ऐसा नहीं है कि जो मैसेज आप चाहें वो आप टैप करके उसको आप अगर रिप्लाई करना चाहें तो आप रिप्लाई एंड आप मैसेज पढ़ भी सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं। सो काफ़ी मतलब ईजी टू यूज फंक्शनैलिटी है इसकी। और आपको मतलब अपने मोबाइल को, मेन हमारा मोटिव इस प्रोडक्ट का यही है कि हम सेफ ड्राइविंग को प्रमोट करें, और गाड़ी में एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो सेफ्टी है कि हमें ड्राइव करते हुए कॉलिंग और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें हम इजीली मैनेज कर पाएं। प्लस ये चलाते चलाते आप ब्लूटूथ से भी अगर म्यूजिक चलाना चाहें तो वो भी काफ़ी ईजी है। आपको ब्लूटूथ से अपना इस डिवाइस को कनेक्ट करना है। और ब्लूटूथ से आप अपना म्यूजिक चला सकते हैं साइड बाय साइड, ये डिवाइस अपना एज इट इज जो है वॉइस के थ्रू फंक्शन करता रहेगा। तो वो भी इसकी काफ़ी एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। मैं अभी
पॉज करो। तो हमें बैक वगैरह कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करना और हम सॉन्ग चलाएंगे, सॉन्ग चल जाएगा। सो कई लोगों को ये भी पूछना होगा कि हमें ज़रूरी है कि हम यहीं से म्यूज़िक चलाएं, सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी, आप ब्लूटूथ से भी अपना म्यूज़िक चला सकते हैं और साइड बाई साइड इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात है कि आप अपना मोबाइल लॉक कर सकते हैं, आपको अपना मोबाइल खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल जो है लॉक कर सकते हैं और ये आपका एज एज फंक्शन करता है। बैटरी नहीं लेगा, बैटरी नहीं लेगा, बैटरी नहीं लेगा आपका, बैटरी सेव करेगा आपको, इवन बैटरी चार्ज भी करता रहता है, इससे बैटरी आउटपुट है 2 एम्पीयर की, इससे चार्जिंग भी होती रहती है, तो आपका फ़ोन हमेशा चार्जिंग रहेगा और सारे फंक्शन आप इसमें कर सकते हैं, मैसेज को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं और जस्ट विद अ टैप। अगर आपको इवन जैसे हम कहीं गुम हो जाते हैं, कहीं किसी जगह पर चले जाते हैं, तो हम इवन लाइक अगर किसी को भूख लगी है तो हम इसमें नेविगेट में टू नियर बाय रेस्टोरेंट्स, तो आप इसमें नियर बाय रेस्टोरेंट्स भी देख सकते हैं अगर आपको कहीं खाने जाना हो, कुछ करना हो एंड यू कैन नेविगेट। तो बहुत ही इजी फंक्शनैलिटी है, अगर आपको कोई गैस पंप भी कभी गैस खत्म हो जाता है रास्ते में, सडनली यू सी कि क्या हमें करना है। नियर बाय गैस स्टेशंस, तो ये आपको गैस स्टेशंस में दिखा देता है। तो बहुत इजी फंक्शनैलिटी है ड्राइव करते हुए, आपको कहीं जाना है, वेदर है, कुछ भी है, सो काफ़ी है। अगर आपको इंटरेक्ट भी करना है, थोड़ा सा फन करना है, तो टेल मी अ जोक। थोड़े गूगल टाइप जोक्स होते हैं इसमें, बट स्टिल इट्स अ फन डिवाइस, इजी टू यूज डिवाइस, इजी टू यूज इंटरफेस। अब एप्पल यूजर्स सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, ये दिस इज द फंक्शनैलिटी जो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, सो एप्पल वालों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ फंक्शनैलिटी फॉर देम ऑल्सो एंड दैट वी विल प्रेजेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।